तो दोस्तों देख सकते हो कितना अच्छा नजारा दिख रहा है। दोस्तों देखिए मैं आ गया हूँ इस औरंगाबाद के इस ऐतिहासिक शहर में। तो दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखिए पूरा औरंगाबाद जो है बहुत ही निसर्गमय वृक्षों से पौधों से बहुत ही भरा हुआ है। दोस्तों तो दोस्तों देख सकते हो आपको आगे भी ऐसे ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स जो है आपको मिलने वाले है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत ही अच्छा नजारा दिख रहा है। दोस्तों तो दोस्तों प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त यह नजारा बहुत ही काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइए। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी बुद्ध लेनी क्रमांक एक पर, हम पदार्पण कर रहे हैं। दोस्तों तो चलिए व्लॉग में एंड तक जरूर रहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों बहुत ही काफी अच्छा नजारा दिख रहा है। दोस्तों देख सकते हो मैं आ गया हूँ ऊपर, बहुत ही स्टेप्स चढ़ने के बाद मैं आ गया हूँ ऊपर। फाइनली हम आ चुके हैं। दोस्तों औरंगाबाद शहर में बीबी के मकबरे से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह पहाड़ों में खोदी गई एक बौद्ध गुफा है। इसका बौद्ध गुफा होने का पहला उल्लेख कन्नेरी के विशाल चैत्य में मिलता है।
और दोस्तों गुफाओं का निर्माण 6वीं शताब्दी ईस्वी और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच किया गया था। इसमें 12 गुफाएं हैं, कुल 12 गुफाएं हैं दोस्तों। और दोस्तों गुफाओं को अपेक्षाकृत नरम बेसाल्ट चट्टान से उकेरा गया है और इसके स्थान से सभी 12 गुफाओं को मुख्य रूप से 3 समूहों में विभाजित किया गया है। ये गुफाएं औरंगाबाद क्षेत्र में अजंता और एलोरा की गुफाओं से जुड़ी है। और दोस्तों अजंता की गुफाओं और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों 6वीं और 8वीं शताब्दी को ध्यान में रखते हुए औरंगाबाद गुफाएं औरंगाबाद शहर के केंद्र से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय और बीबी का मकबरा परिसर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। अजंता और एलोरा की गुफाओं की तुलना में मूर्तियां बहुत छोटी है, अधिक जीर्ण शीर्ण और कम देखी गई है। दोस्तों जब आप इन गुफाओं को देखना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह समय और स्थान और समय के बीच स्थित एक संवेदनशील जीवन ही है। यह गुफा भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा दिया गया एक संरक्षित स्मारक है। जो पर्यटक है जो चिल्ला चिल्ला के अपना आनंद ले रहे हैं, देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा दिख रहा है। बहुत ही शर्मा में दिख रहा है, मुझे तो यहाँ पे बहुत ही आनंद आ रहा है दोस्तों, अच्छा दिख रहा है। और पीछे जो है नीचे जो है औरंगाबाद पूरी सिटी जो है हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, देख सकते हो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्या क्या मिलता है देखते हैं।
तो दोस्तों यह एग्जिट गेट है, हम एग्जिट गेट से बाहर जा रहे हैं। देख सकते हो यह एग्जिट गेट है और यहाँ पे ऊपर जो है वो है बहुत ही अच्छी कला के साथ किए जाने वाले जो लेनिया है, बुद्ध लेनिया जो है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, बहुत ही अपनी कला को दिखाए गए। तो हम जा रहे हैं बाहर, तो चलिए आप भी बने रहिए ब्लॉग में एंड तक, आगे आगे क्या क्या होता है। हम औरंगाबाद इस शहर में आए हैं, तो चलिए देखते हैं, कंटिन्यू बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। चलिए, एंट्रेंस गेट भी यही है और एग्जिट गेट भी यही है, देख सकते हो, तो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक, ओके। और यहाँ पर पीछे लींबू शरबत बहुत ही अच्छी तरीके से बना के देते हैं, तो चलिए लींबू शरबत भी पीते हैं।